हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमा किचन विद ब्लॉग। आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की मोमो और चटनी। मैं कैसे बनाती हूँ चलो दिखाते हैं। 5 मिनट के लिए सोयाबीन भिगो के रख दूंगी मैं। अभी सोयाबीन को मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूंगी मिक्सी में। हल्का सा ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा चला लेंगे। इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला पाउडर। अब ये अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जो सारे मसाला मैंने दिया था इसमें सारे मिक्स हो गया। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। पहले मैदा को छान लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा को। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद लेंगे। मैदा गूंदना हो गया। अब मैं चारों तरफ से ऑयल लगा के 10 मिनट ढक के ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद वापस आते हैं। मोमोज के लिए ऐसे छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अभी ये हो गया, मेरा मोमो बन गया। एक एक करके मैं सारे बना लूंगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। पानी गर्म हो गया। अब मैं मोमोस को रख दूंगी। मोमोस मैंने रख दिया। अब मैं 15 मिनट के लिए स्टीम करूंगी। गैस मैंने कम कर दिया क्योंकि मुझे कम आंच में करना है। 15 मिनट हो गया। अब मैं खोल के देखूंगी हुआ कि नहीं। मेरा मोमोस रेडी हो गया। मैं मोमोस की चटनी बना लूंगी। इसमें मैंने लाल मिर्च, लहसुन, टमाटर और नमक डाल के थोड़ा सा पानी दे के चटनी बना लूंगी। मैं ये मिक्सी में पीस लूंगी। मोमोस का चटनी